What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 19 मई 2020 ट्यूसडे है, सुबह के 8:24 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा निफ्टी की शुरुआत इस वीक में काफी निराशाजनक हुई, 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। यह ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो लॉकडाउन था, फोर्थ लॉकडाउन, ये कंटिन्यू 31 मई तक बढ़ाया गया। हालांकि राहत पैकेज का ऐलान हुआ, लेकिन बिजनेसेस अभी भी बंद है, कोई भी काम काज चालू नहीं है। 31 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। लेकिन कल कुछ स्टेट के सीएम ने आकर अपने राज्य के अंदर कुछ रियायती चीजें अनाउंस की है, यानी कि छोटे मझोले जो बिजनेस जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सकता है, ऐसी जगह पर ये फिर से बिजनेसेस शुरू हो चुके हैं। छोटे छोटे बिजनेस और जो ऑनलाइन शॉपिंग्स है वो भी कल उसको फिर से एक बार अप्रूवल मिल गया है कि फिर से स्टार्ट हो सकती है। और कल एक बड़ी खबर थी यूएस मार्केट में, जो कोरोना वायरस का वैक्सीन है, एक फार्मा कंपनी है, उसने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए थे, तो उसकी काफ़ी पॉजिटिव खबरें वहां पर देखने को मिली। और साथ ही साथ यूएस मार्केट जबरदस्त तेजी में कल ट्रेडिंग करते हुए दिखाई दिया। तो आज निफ्टी में क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 18 मई आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर या आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9054 और ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9195। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ये जो लेवल्स थे हमारे, इसके बीच में ओपन हुआ और ये टूवर्ड्स जैसे साउथ की तरफ ये मूव हुआ और ब्रेकडाउन लेवल को इसने ब्रेक किया। हमारा फर्स्ट टारगेट 9015 ये अचीव हुआ, सेकंड टारगेट भी 8989 ये यहाँ पर अचीव हुआ। और इतना सेलिंग का प्रेशर जबरदस्त बन रहा था कि सेकंड टारगेट के नीचे भी निफ्टी इंडेक्स चला गया और ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डाउनफॉल कल निफ्टी इंडेक्स में दिखा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में जैसे कि एक खबर थी वैक्सीन के बारे में, उसके बाद फार्मा सेक्टर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। नास्डैक करीब 220 पॉइंट्स के बढ़त के साथ बंद हुआ था। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो जबरदस्त वहां पर हरे निशान में कारोबार हमें देखने को मिला। एशियाई बाजार आज जब ओपन हो चुके हैं तो SGX निफ्टी 196 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स भी हरे निशान में, हांगकांग मार्केट और ताइवान मार्केट भी इस समय हरे निशान में काम काज इस समय कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो अभी हल्की सी एक गिरावट दिखा रहा है, कल जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद एक छोटा करेक्शन आना लाजमी है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में 2 दिन पहले ये यहाँ पर जस्ट इसने 20 EMA को फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज दिया था। तभी हम RSI और ये जो प्राइस एक्शन है इसका कंपैरिजन कर रहे थे। RSI में जैसे पास्ट में अभी ये हायर हाइज बना के चल रहा था RSI, और अभी सडन इसने लोअर हाइज बना दिया था, यानी फिर से यहाँ पर बुल्स का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो रहा था। और जैसे ही अभी लास्ट 2 डेज में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जबरदस्त 300 पॉइंट्स का यहाँ पर एक फॉल आ चुका है। तो अभी जो ये 38.2% का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है ऐसा माना जा रहा था, 8980 ऑलमोस्ट 9000 के पास, तो इसने अभी ये ब्रेक कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से अभी ये कंटिन्यू 4-4 दिन हो चुके हैं, ये कंटिन्यू टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है और लोअर हाई लोअर लोस का ये पैटर्न बना रहा है, यानी कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड में 4 दिनों से चल रहा है। अभी ये कंटिन्यू यहाँ से 9584 यानी ऑलमोस्ट 600 से ये 8800 यानी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का यहाँ पर फॉल दिखा चुका है। तो आज जैसे कि ग्लोबल मार्केट के सीनारी और इस समय दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है ये थोड़ा सा यहाँ से एक रिकवरी दिखाने की कोशिश करे। हालांकि जब तक ये 20 EMA यानी ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड 9190 के पास है, जब तक इसके ऊपर फिर से एक बार सस्टेन नहीं करता, यहाँ से
अपसाइड मूवमेंट की उम्मीद काफी कम होगी। जब तक ये 20 EMA के नीचे है, ये डाउन ट्रेंड का ये जो इफेक्ट है यहाँ पर, इम्पैक्ट है, ये बना रहेगा। हालांकि रिकवरी आ सकती है यहाँ पर, लेकिन उसे 20 EMA के ऊपर अगर सस्टेन करता है और यहाँ पर कंटिन्यू हायर आए हायर लोस के पैटर्न में दो बुलिश कैंडलस्टिक अगर यहाँ पर बनते हैं तो, और सिर्फ तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूवमेंट का कंफर्मेशन मिल सकता है, या फिर यहाँ से रिकवरी आने के बाद ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम कर रहा था 8980, ये हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे। 20 EMA भी हो सकता है रेजिस्टेंस का काम करे, और यहाँ पर फिर से जब ये ऊपर जाए तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेके फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ आ जाए। क्योंकि वैक्सीन की सिर्फ खबर आई है कि ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं तो पॉजिटिव असर दिखा रहा है, लेकिन जब तक गवर्नमेंट अथॉरिटीज इसका अनाउंसमेंट नहीं करता तब तक इसके बारे में सही तरह से कंफर्मेशन मान के चलना काफी जल्दबाजी हो सकता है। तो यहाँ पर इस समय डेली चार्ट में ये सिनेरियो बन रहा है, नीचे 8700 का सपोर्ट है जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। ये रिकवरी जो यहाँ से आई थी बॉटम से लेके यहाँ तक, इसका 50% का ये रिट्रेसमेंट लेवल है, और ऊपर 9190 के पास 20 EMA है, वो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, उससे पहले वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं। कल का एक ही दिन हुआ है और इसने 38.2% को क्रॉस करके अभी 8700 की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी इस वीक को खत्म होने में 4 दिन ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, तो हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से फिर से एक बार अपसाइड मूव दिखाए और फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करे। क्योंकि सेटअप जो है वीकली चार्ट में भी अभी जो डाउन ट्रेंड का सेटअप बन रहा है, यानी लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और ये शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में यहाँ पर सेटअप बन रहा है और इसके नीचे निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल का ये जो लो बनाया है यानी 8803 के पास, ये अगर ब्रेक होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8763, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8719, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ ये मूव करता है, जैसे कि आज ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है, तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है इसी के पास इसने, ये देखिए कि एक कल इसने एक छोटा स्विंग हाई बना के फिर से डाउन टूवर्ड साउथ की तरफ ये मूव हुआ है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। यानी पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है 8929, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8975, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, इसका ये लेवल अभी ऑलमोस्ट 9019 के पास आ रहा है। इसे राउंड फिगर कर देते 9005, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट कीजिए, फिर से एक बार ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन लेवल को टेस्ट होने दीजिए, और जैसे फिर से उसको ब्रेक करते हैं तभी अपना पोजीशन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कल के तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, 5 पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।